चलिए आज हम लोग फिर से डोमेन और रेंज का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग लेवल का है और हर क्वेश्चन कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हो तो जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा। अगर फिर भी कहीं किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जरूर हमें बताइएगा। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में बाबू, पहला क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको x का टर्म बट्टा में मिलेगा, यानी वेरिएबल का टर्म क्या चीज में लिखा हुआ, बट्टा में, यानी डिनोमिनेटर में। बाबू हम लोग जानते हैं कि कभी भी बट्टा में अगर वेरिएबल का टर्म लिखा हो, x का टर्म लिखा हो, तो कभी भी बट्टा वाला मान यानी डिनोमिनेटर वाला मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग ये बात बहुत बारीकी से समझते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी आपको वैसा वैसा मान नहीं लेना है एक्स का जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो सारा मान छोड़ देना है। अब वो सारा मान छोड़ने के बाद जो भी मान रियल नंबर में बचेगा वही मान उस पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। फिर से सुनिए, अच्छा से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। कभी भी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन हो बाबू और वेरिएबल बट्टा में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो कभी भी डिनोमिनेटर बट्टा वाला का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी आपको वो सारा रियल नंबर नहीं लेना है जिससे डिनोमिनेटर बट्टा का मान क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो सारा मान को छोड़ देना है। उसके बाद जो रियल नंबर का मान बचेगा वही रियल नंबर का मान उस पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो कभी भी डोमेन निकालिए, बट्टा में अगर x का टर्म हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो लिखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर बट्टा वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद x का मान निकालिए, जो x का मान आएगा वो आपको नहीं लेना है। अब वो सारा मान को निकाल देंगे रियल नंबर से, उसके बाद जो सारा मान बचेगा वही उस पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। बाबू सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू जीरो। बाबू माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन, तो इसका मतलब हुआ बाबू एक्स नहीं लेना, वन और माइनस वन, समझे। यानी एक्स का मान आपको वन और माइनस वन नहीं लेना है, ये दोनों को नहीं लेना है, ये दोनों को नहीं लेना है। ये दोनों को छोड़ करके जितना सारा रियल नंबर है वो सब ले सकते हैं, लेकिन वन और माइनस वन को नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन का डोमेन का बात करें बाबू, तो इस क्वेश्चन का डोमेन आएगा रियल नंबर में किसको किसको केवल हटा देना है, वन और माइनस वन को हटा देना है। यानी इस क्वेश्चन का डोमेन का आंसर होगा रियल नंबर माइनस वन कॉमा माइनस वन।